हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में बहुत सारे काम होने वाले हैं और जो भी मैंने काम किए हैं वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि आप लोग के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग को भी ये काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने गार्डन के लिए। तो मैं क्या क्या इस वीडियो में करने वाली हूँ आप ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको भी पता चलने वाला है कि इससे कितने सारे हमारे प्लांट की ग्रोथ होती है और हमारा प्लांट भी कितना बुशी ग्रो करता है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको इस वीडियो में बने रहना है। और साथ में अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड्स, आपके भी प्लांट्स में बहुत बड़े बड़े हो गए होंगे, साथ में ठीक से ग्रो नहीं कर हो रहे होंगे और शेप भी उनकी ठीक से नहीं आ रही होगी। जैसे कि आप मेरे प्लांट को देख सकते हैं, एरिलिया के जितने भी प्लांट्स हैं ठीक से ग्रो नहीं कर रहे हैं, साथ में इसमें शेप भी अच्छे से नहीं आ रही है। मैं चाहती हूँ कि इनकी बहुत ही सुंदर सी शेप बन कर आए, प्लांट भी बहुत ही बुशी सा ग्रो करे। तो कहीं कहीं पर टहनी जो है वो थोड़ा सा कम नज़र आ रही है। तो आज मैं इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम करने जा रही हूँ, वो है डेड हेडिंग। और आप इसमें देख रहे हैं डेड हेडिंग तो मैं करूँगी, लेकिन उससे पहले इम्पॉर्टेंट है इसकी रूट्स को, इसकी सॉइल को लाइट करना। रूट्स को जितना आप लाइट करेंगे उतना ज़्यादा इसमें ऑक्सीजन साथ में सनलाइट पहुँच पाएंगी। वैसे तो ये इंडोर प्लांट है, इंडोर प्लांट में उतना ज़्यादा सनलाइट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, मगर आप इसमें डेली कम से कम वाटरिंग ज़रूर कीजिएगा। अगर वाटरिंग नहीं करते हैं तो आप इसमें वाटरिंग का स्प्रिंकल भी कर सकते हैं, उससे भी प्लांट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी ग्रो करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, जितने भी एक्स्ट्रा सॉइल है उसे मैं निकाल दे रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि मल्चिंग मैं करूँगी इसमें, मगर अभी नहीं करूँगी। मल्चिंग के लिए मुझे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है मुझे सूखे लीव्स चाहिए बहुत सारे। और सूखे लीव्स अगर नहीं हुए तो किसी भी चीज़ से आप इसे ढक कर रख सकते हैं, चाहे वो पेबल्स हो, चाहे स्टोन्स हो, चाहे सूखे पत्तियाँ हो, किसी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं नेक्स्ट जो मैंने मेथड अपनाया है प्रूनिंग। प्रूनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है प्लांट के शेप को लाने के लिए। यहाँ पर मेरा जो बीच वाला जो स्टेम था वो एकदम अलग से लॉन्ग हो गया था, टॉल हो गया था, तो इसीलिए वो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं चाह रही थी कि बहुत ही खुशी से और बहुत ही अच्छे से ये ग्रो करे और देखने में भी वो अच्छे लगते हैं जब अच्छे से ये सारे प्लांट्स ग्रो करते हैं, शेप में रहते हैं। तो इसलिए मैंने सारे टहनियों को कट किया है। और कट करने के बाद तो आप देख ही रहे हैं, इससे पहले मैंने इसकी थोड़ी सॉइल को भी लाइट किया था। तो इसी तरीके से मैंने अरेलिया की सारी कटिंग्स को कट कर लिया है, प्रूनिंग कर लिया है। और मैंने हार्ड प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा टॉल हो गया और उसकी अगर अच्छी ग्रोथ नहीं है, अच्छी लेंथ नहीं है, ठीक से ग्रो नहीं हो रहे हैं, तो आप ये काम ज़रूर कीजिए। कोई मैटर नहीं करता है कि कितनी हार्श सनलाइट है या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गई है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सारे इंडोर प्लांट हैं, आप इनकी केयर करेंगे तो बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। और इन कटिंग्स को मैं अभी भी ग्रो कर सकती हूँ, किसी भी छावदार जगह पर मैं अगर इसे लगा दूँ तो वो ईजिली ग्रो हो जाएंगे। इसकी जो कटिंग है वो भी बहुत ही अच्छी सेमी हार्डवुड है, तो आसानी से ग्रो हो जाएगी। लीव्स को हटा कर इसे ग्रो किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होती है, गर्मियों में भी ग्रो हो जाती है, क्योंकि इंडोर प्लांट है और इसे मैं छाँव में ही ग्रो करूँगी। छत में बस आपको नहीं लगा के रखना है, अदरवाइज़ ये कटिंग नहीं चलेगी। और इसमें फ्लावर्स भी बनना स्टार्ट हो गए हैं, खैर उससे कोई हमको मतलब नहीं है, लेकिन उसे कट करके हटाना ज़्यादा ही सही था, क्योंकि प्लांट बहुत ज़्यादा टॉल अगर हो जा रहे हैं, उसकी जो शेप है अच्छे से नहीं बन रही, तो ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अरेलिया प्लांट्स में बहुत तरह के वैरायटीज आते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के इसके प्लांट होते हैं, बहुत सुंदर सुंदर वैरायटीज़ के होते हैं, देखने में भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। कम्प्लीटली इंडोर प्लांट तो नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि हफ्ते में एक दिन दो दिन अगर आप इसमें सनलाइट नहीं दिखा रहे हैं, सनलाइट नहीं पहुँच पा रहा है, तो प्लांट ठीक से डेवलप नहीं करेगा, इसकी ग्रोथ थोड़ी धीमी हो जाती है। तो सनलाइट भी थोड़ी ज़रूरी होती है इंडोर प्लांट्स के लिए भी, लेकिन दिन भर की जो धूप रहती है, गर्मी रहती है, वो बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए, अदरवाइज़ पूरा प्लांट जो है वो सूख जाएगा, पत्तियां भी जलने लग जाएंगी। तो इन सब बातों का भी ध्यान रखना है। इसकी भी थोड़ी सी मैं सॉइल हटा ली हूँ, क्योंकि ज़्यादा ओवर सॉइल रहने से भी, पानी देने से जितने भी सॉइल है वो निकल कर बाहर आ जाते हैं,
तो ज़्यादा सॉइल नहीं देना है किसी भी गमले में, किसी भी पॉट में हम लोग को। और साथ में मल्चिंग करने के लिए भी मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, इसलिए मैंने पहले से ही सॉइल हटा दिया है। और इसकी भी मैंने सॉफ्ट प्रूनिंग कर दी है। वैसे प्लांट ज़्यादा टॉल नहीं था, छोटा ही था, लेकिन फिर भी मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी है क्योंकि ज़रूरी है प्रूनिंग करना। और यहाँ पर अरेलिया का प्लांट आप देख रहे हैं, ये टोटली ग्रीनिश, लाइट ग्रीनिश येलोइश कलर का हो चुका है। वो इसलिए हुआ है क्योंकि मैं उसका रीज़न भी बता रही हूँ आपको। कम्प्लीटली ये धूप में रहता है, दिन भर की सनलाइट इसे मिलती है, तो आप उससे देख सकते हैं इसके पत्तियों का कलर कैसा हो गया है। दिन भर की धूप मिलने के कारण इसकी पत्तियां पूरी पीली पड़ गई हैं। और ये पत्तियां ऐसी हैं कि ये ना सूख कर झड़ेंगी और ना ही अपने पेड़ से हटेंगी। तो इसके लिए प्रॉब्लम ये है कि आप इसे बिल्कुल सनलाइट में ना रखें, आप इसे सेमी शेड एरिया में रखें जिससे प्लांट काफ़ी अच्छे से ग्रो करे और प्लांट की जो ग्रोथ है वो भी बहुत ही अच्छा चले। तो अभी देख सकते हैं प्लांट काफ़ी मैंने छोटा सा कर दिया है, तो देखने में भी ये अच्छा लग रहा है। और मैं इसे रखूँगी सेमी शेड एरिया में जहाँ पर ये बिल्कुल चलेंगे, इसमें कोई धूप नहीं लगेगी। और थोड़ा सा इन सब में काउडंग कंपोस्ट का भी आप सबको यूज़ करना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।